इसराइल हमास के बीच चल रहा युद्ध अब थमने वाला है। इन दोनों के बीच अक्टूबर से ही जंग चल रही है। दरअसल बुधवार यानी 22 नवंबर को इसराइल की सरकार ने हमास के साथ गाजा में बंधक बनाए गए 50 महिलाओं और बच्चों की रिहाई के बदले जंग को 4 दिनों तक रोकने का ऐलान किया है। इस तरह अब जल्दी ही हमास के साथ युद्ध विराम होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग में मध्यस्थता करवा रहे कतर, अमेरिका, इसराइल और हमास के अधिकारियों ने कहा कि शांति के लिए समझौते की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसराइल सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बाद हमास के लड़ाकों ने लोगों को बंधक बनाया है और उन्हें गाजा पट्टी में लेकर चले गए हैं। इसराइल का मानना है कि गाजा पट्टी में हमास ने 200 से भी ज्यादा लोगों को बंधक बनाया हुआ है, जिसमें बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि 4 दिनों के अंतराल पर 50 महिलाओं और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इस दौरान किसी भी तरह की लड़ाई पर रोक लगी रहेगी। बयान में ये भी कहा गया है कि हर अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई पर युद्ध विराम को एक और दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। हालांकि बयान में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि क्या इसके बदले फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।